राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे नूह के पिनुआ गांव और पुनाना विधानसभा के पिलगवा सहित दर्जनों गांव में वोट मांगे। बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने आज बुधवार को नूह जिले के पुनाना विधानसभा के पिनगवा कस्बा सहित दर्जनों गांव में मतदाताओं से वोट की अपील की है। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह का पिनगवा कस्बे सहित अलग अलग गाँव में फूलमालाओं के साथ पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया गया। राज बब्बर के राजा वाले बयान को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि जमीनी हकीकत तो यह है कि मैं 2004 से लगातार इस क्षेत्र से जीत रहा हूं, बिना लोगों के समर्थन के मैं जीत नहीं सकता। आप देखें नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। और सभी पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं, इससे आप मुकाबला मानते हैं और क्या कहते हैं? देखिए चुनाव तो हर एक पार्टी जीतने के लिए लड़ाती है, कोई हराने के लिए तो लड़ाता नहीं है। तो उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, मैं भी उम्मीद कर रहा हूं, पर मैं उम्मीद केवल जीतने की नहीं कर रहा, मैं उम्मीद यह कर रहा हूं कि पिछली बार जो मेरे को वोट मिली थी उससे कहीं ज़्यादा वोट मिल कर के और मैं रिकॉर्ड कायम करूँगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपकी पूरी लोकसभा में कहीं नरेंद्र मोदी जी की या किसी बड़े नेता की कोई जनसभा का कोई कार्यक्रम बन रहा है? नहीं, हमारे मोदी जी के दो कार्यक्रम हो चुके, रिवाड़ी के अंदर एम्स का शिलान्यास उन्होंने आज से 1.5-2 महीना पहले रखा था, तो माजरा गए थे रिवाड़ी जिले के अंदर। गुड़गांव के अंदर मेट्रो 5,500 करोड़ का उन्होंने शिलान्यास रखा था, वो 1 महीना पहले रखा था। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे यहाँ आ चुके हैं और मैं नहीं समझता कि आज के स्थिति के अंदर उनको यहाँ बुलाने की आवश्यकता रह जाएगी, क्योंकि वो और देश के अंदर जा जा करके काम करेंगे। यही बात राज बब्बर जी ने कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह राजा हैं, जमीन की तरफ नहीं देखते हैं, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? कौन कहता है? राज बब्बर। नहीं, जमीनी हकीकत तो ये है कि मैं 2004 से लगातार जीतता आया हूँ, तो बिना लोगों के समर्थन के और वोट के मैं जीत नहीं सकता। हम कई देर तक दे सकते हैं, कई उपलब्धियां गिनवा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि टाइम आज के दिन सबसे कीमती है। और मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने और आपके सरपंच ने और जाहिर चेयरमैन ने इन सभी ने मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से वोट मांग लिया है, मैं ही रह गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे पहले अपना वोट दिया। 2009 से मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जीतता आया हूं और हर बार अव्वल वोटों से जीतता आया हूं। आज भी आपके बीच के अंदर अगर मैं आया हूं तो आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके साथी और हमसफर के तौर के ऊपर आया हूं। आज मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत है और ये मैं आपको वायदा करके जा सकता हूं कि जो आप मुझे ताकत देंगे या जो ताकत आपने मुझे आज से पहले दी है, कोई भी शख्स यहां पर खड़ा होकर के यूं कह दे कि इस ताकत को इंद्रजीत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं वोट मांगने का अधिकारी नहीं हूं। और अगर आपकी दी हुई ताकत को लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाले समय के अंदर आप लोगों की तरक्की के लिए ही मैं इस ताकत को इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे एक भी वोट अलग नहीं जाने की उम्मीद है। सारी की सारी मुझे वोट आपकी चाहिए। सभी बिरादरियों से, सभी मजहब से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि 25 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और 25 तारीख को मेरे को आप सवारे। आने वाले समय के अंदर 5 साल मैं आपके लिए काम करूंगा, यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद और जय हिंद। राव इंद्रजीत सिंह।